हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7 इंग्लिश की बुक एंड एलियन हैंड के चैप्टर 4 द कॉप एंड द एंथम को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत सोपी नाम के एक व्यक्ति से होती है जिसके पास घर नहीं है। वह मेडिसन स्क्वायर यानी कि एक पार्क में आराम से अपनी सीट पर बैठा था। तभी उसे एहसास हुआ कि सर्दियां आने वाली है और उसे इसके कुछ संकेत भी मिले, जैसे चिड़िया दक्षिण दिशा की ओर उड़ रही है, सभी लोग गर्म कोट खरीद रहे हैं। तभी एक पत्ता उसके पैर पर गिरा और उसे लगा कि ये उसके लिए एक खास संकेत है कि अब सर्दी आ गई है। फिर उसे ये भी एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि उसे ठंड के मौसम में अपना ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। फिर वह अपनी सीट के पास ही चलने लगा और यह सोचने लगा कि ठंड में बचने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र दूर एक जहाज पर गई। कुछ लोग सर्दी से बचने के लिए जहाज में बैठकर दूर जाना चाह रहे थे, कुछ दक्षिणी हिस्से की ओर तो कुछ नेपल्स की खाड़ी में जाना चाह रहे थे। लेकिन सोपी ब्लैकवेल आइलैंड पर जाने की सोचता है। वह ब्लैकवेल आइलैंड की एक जेल में जाना चाहता था जहां पर उसे अगले 3 महीनों का खाना और रहना दोनों मिलेगा। इसी उद्देश्य से वह पहले भी कई बार जेल जा चुका था। कई सालों से ब्लैकवेल आइलैंड सर्दियों में उसका घर हुआ करता था। अब सोपी ने आइलैंड पर जाने की एक छोटी योजना बनाई। उसने कहा कि अब समय आ गया है। सोपी शहर में बहुत सी जगहों के बारे में जानता था जहां जाकर वह खाना मांग सकता था और सोने के लिए बिस्तर भी, और उसे ये सब मिल भी जाता। पर इन सब चीज़ों के बदले में उसे कुछ काम करना पड़ता। जो भी उसे मिलता उसके लिए उसे पैसे देने पड़ते। सोपी को इन सारे सवालों के जवाब देने होते थे जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो वो सोचता है कि इन सब के बजाय अच्छा है कि वह ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में ही जाए। जेल में उसे कुछ नियमों का पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह आज़ाद रहकर अपना जीवन बिता सकता है। सोपी सोचता है कि जेल में जाने के कई आसान तरीके हैं, और सबसे बढ़िया तरीका है कि वह किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करेगा और बाद में उन लोगों को ये कह देगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद वे पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। आगे उसे एक जज के पास ले जाया जाएगा और फिर उसे 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। इसके बाद सोपी अपनी सीट छोड़कर मेडिसन स्क्वायर से बाहर निकल जाता है और उस जगह पर जाता है जहां ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू मिलते हैं। वहीं पर वह एक बड़े और चमकदार रोशनी वाले रेस्टोरेंट के पास रुक जाता है। उसे लगता है यही वह जगह है जहां उसे शाम का सबसे अच्छा खाना मिल सकता है। उसे वहां सभी अच्छे कपड़े पहने हुए लोग भी दिखाई देते हैं। फिर सोफी अपने आप को देखता है। उसे सब ठीक लग रहा था, उसे अपना चेहरा भी साफ लगा और उसने कोट भी अच्छा पहना था। बस अब उसे बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए थी और उसे लगा कि वेटर उसे वहीं ले जाएगा जो उसे चाहिए। फिर सोफी ये सोचने लग गया कि वह खाने में क्या पसंद करेगा, और उसके बाद वह खाने के ख्यालों में खो गया। उसे लगा कि इसके लिए उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और पैसे ना देने पर सभी रेस्टोरेंट के लोग उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालेंगे, लेकिन इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब सोफी रेस्टोरेंट के अंदर जाने की सोचता है। जैसे ही वह रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर पैर रखता है, उसी समय वेटर उसे टूटे हुए पुराने जूते और फटे हुए कपड़े में देखता है। तो वेटर उसकी धुलाई कर देता है और उसे चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सोफी की ये पहली योजना पूरी तरह से असफल हो जाती है और उसे लगता है कि ब्लैकवेल आइलैंड के जेल जाने के लिए यह आसान तरीका नहीं है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कोई और तरीका सोचना चाहिए। फिर वह देखता है कि 6th एवेन्यू के कोने में एक चौड़ी कांच की खिड़की के साथ एक दुकान है जहाँ से रोशनी आ रही थी। सोफी वहाँ गया और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कांच पर दे मारा। फिर सभी लोग वहाँ से दौड़ते हुए बाहर आए, उनमें से एक पुलिस वाला था। सोफी वहीं पर खड़ा हो गया। वह पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराया। पुलिस सबसे पूछती है कि वह आदमी कहाँ है जिसने ऐसा काम किया। तभी सोफी कहता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने ही ये काम किया होगा। पुलिस वाला सोफी के पास आया। उसे लग रहा था कि सोफी ने यह नहीं किया है, क्योंकि जो आदमी खिड़कियां तोड़ेगा वह पुलिस से बात करने के लिए इस तरह से वहां नहीं रुकेगा, बल्कि वह जितनी तेजी से भाग जाता था वहां से भाग जाता। पुलिस ने एक दूसरे आदमी को वहां से दौड़ता हुआ देखा और वह उसके पीछे भागे। अब सोफी की ये दूसरी योजना भी पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब सोफी एक दूसरे रेस्टोरेंट में गया जो दिखने में ठीक ठाक था,
और वहाँ जाने वाले लोग भी इतने अमीर नहीं थे और उसे लगा कि इसका खाना भी इतना अच्छा नहीं होगा। उसने रेस्टोरेंट के अंदर जाने का फैसला किया। उसके पुराने जूते और कपड़े और भी ज़्यादा खराब हो गए थे, लेकिन उसे अंदर आने से किसी ने भी नहीं रोका। वह एक मेज पर बैठ गया और उसने वेटर को एक बड़ी सी थाली में खाना परोसने को कहा। खाना खा लेने के बाद उसने वेटर से कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर उसने खुद ही वेटर से पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन उस वेटर ने दूसरे वेटर को बुलाया और दोनों ने मिलकर उसे रेस्टोरेंट से बाहर एक सड़क पर पटक दिया। इस प्रकार सोफ़ी की जेल पहुंचने की ये योजना भी बेकार हो गई। सोफ़ी खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों से धूल को हटाया। अब उसे लग रहा था कि जेल तक पहुंचना बस एक सपना है और अब उसे ब्लैकपल आइलैंड भी बहुत दूर लग रहा था। इसके बाद सोफ़ी आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ कई सारे सिनेमाघर थे। सड़कें चमक रही थी, अमीर महिलाओं ने गर्म कोट पहना हुआ था और सभी आदमी सर्दियों की हवा में खुशी से चल रहे थे। तभी उसने देखा कि एक बड़े से थिएटर के सामने पुलिस वाले खड़े हैं, तो वह उनके पास आया। थोड़ी देर तक वह वहाँ खड़े होकर यह सोचने लगा कि उसे क्या कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद वह जोर से चिल्लाने लगा और इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा जितनी ज़ोर से वह चिल्ला सकता था, और उसने ये दिखाने की कोशिश की जैसे कि उसने शराब पी रखी है। तभी एक पुलिस वाला सोफ़ी की ओर मुड़ा। तभी पास में खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि यह कॉलेज के लड़कों में से एक है और ये आप लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और हमारे पास चिल्लाने के आदेश भी हैं। सोफ़ी यह सब चुपचाप सुन रहा था और यह सोच रहा था कि अब पुलिस वाले उसे छूने वाले हैं या नहीं। फिर उसने ब्लैकबर्ड आइलैंड के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तभी सोफ़ी की नज़र एक आदमी पर गई जो दुकान में अखबार खरीद रहा था और उस आदमी ने अपने छाते को दरवाजे के पास खड़ा किया था। तभी सोफ़ी दुकान के अंदर चला गया और उसने उस छाते को ले लिया और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। उस आदमी ने सोफ़ी को देख लिया और उसका पीछा करने लगा और उसे कहने लगा, यह मेरा छाता है। तभी सोफ़ी रुका और उसने कहा, ओह ये तुम्हारा छाता है, और छाता देते हुए उससे कहा कि तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो, वो वहाँ कोने में खड़ा है। इसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लग गए। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आया। फिर उस आदमी ने कहा कि यह छाता मेरा है और यह छाता मुझे सुबह रेस्टोरेंट में मिला, अगर ये छाता तुम्हारा है तो तुम इसे रख लो। फिर सोफ़ी गुस्से में कहता है कि हाँ यह मेरा है, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सोफ़ी एक पुलिस वाले को एक महिला की सड़क पार करने में मदद करते हुए देखता है। वह भी आगे बढ़ता है और छाते को दूर फेंक देता है और फिर खुद से बातें करते हुए कहता है कि मेरा मन तो अरेस्ट होने का कर रहा है, पर ये पुलिस वाले मुझे अरेस्ट ही नहीं करते। ये सोचते हैं कि मैं एक राजा हूँ और मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। फिर सोफ़ी वहाँ से चला गया और एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, और वहाँ से वह मेडिसिन स्क्वायर की दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। अब वह घर जाना चाहता था, जो कि कुछ नहीं एक पार्क की बेंच थी। फिर वह एक कोने में रुका जहाँ बहुत शांति थी। यह सोफ़ी के बचपन का घर था। सोफ़ी ने खिड़की से देखा तो घर के अंदर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उसका लिविंग रूम था जहाँ वह रहते थे, और वहाँ उसने खुशी और अच्छे पल बिताए थे। तभी सोफ़ी के कानों ने एक मधुर संगीत यानी कि स्वीट सा म्यूजिक सुना और वह वहीं पर रुक गया। चांद ऊपर चढ़ चुका था और वह बहुत शांत और चमकीला लग रहा था। वहाँ बहुत कम लोग गुजर रहे थे और सोफ़ी चिड़िया की आवाज़ भी सुन रहा था, और वह मधुर संगीत यानी कि स्वीट से म्यूजिक को भी सुन रहा था। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इसे पहले ही सुन चुका है और इस जगह के बारे में वह पहले से ही जानता है। इसके बाद वह उन पलों को याद करता है जब उसके पास उसकी माँ थी, फूल थे, बहुत सी उम्मीदें थी, उसके दोस्त थे, उसके मन में साफ विचार और उसके पास साफ कपड़े थे। ये सब सोचने के बाद सोफ़ी के आत्मा में बदलाव होता है। फिर वह सोचता है कि वह कितना नीचे गिर चुका है, वह उसने अपने आप को बर्बाद भी कर दिया है। फिर वह अपने बेकार के दिनों के बारे में सोचता है, अपनी गलत इच्छाओं के बारे में सोचता है। तभी उसके मन से आवाज़ आती है कि वह अपने आप को बदलेगा और वह खुद को कीचड़ से बाहर निकालेगा जिसमें वह फंस चुका है। फिर वह खुद को एक अच्छा आदमी बनाएगा और उसे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि वह सब कुछ ठीक करेगा और अपने जीवन के पुराने उद्देश्यों को भी खोजेगा और उसे पूरा करेगा। उसे लगता है कि उस मधुर संगीत ने यानी कि स्वीट से म्यूजिक ने उसे बदल दिया है, और वह फैसला करता है कि वह कल से ही काम करेगा। एक आदमी ने उसे पहले नौकरी देने की बात कही थी। वह सोचता है कि वह कल ही उस आदमी को खोजेगा, या कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसे काम देगा और उसकी लाइफ को सुधारेगा। जब वह यह सोचता है उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह एकदम से देखता है कि एक पुलिस वाला है जो उसके चेहरे को देख रहा है। फिर पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोफ़ी जवाब देता है, कुछ नहीं,
फिर पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा। सोफी के अंदर अब एक ताकत सी आ गई थी, वह पुलिस वाले से बहस करना शुरू कर देता है। फिर पुलिस वाला कहता है कि न्यूयॉर्क की पुलिस से बहस करना बुद्धिमानी नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। इसके बाद सोफी को ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में ले जाया जाता है, जहां अगली सुबह जज उसे 3 महीने के लिए जेल में भेज देते हैं। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।